राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण के पाठों का ध्वन्यांकन। प्रस्तुत है पाठ नई समस्याएं अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। इस्लाम को एक धार्मिक और राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में आकर बहुत सी नई समस्याएं खड़ी करनी थीं, पर यह बात ध्यान रखने की है कि भारतीय परिदृश्य को प्रभावित करने में उसे बहुत समय लगा। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए, और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था। उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वालों ने उत्साह के उन्माद में गत्यात्मक शक्ति के साथ फैलकर स्पेन से मंगोलिया की सीमा तक के सारे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। वे अपने साथ शानदार संस्कृति लेकर आए, पर वे खास भारत में नहीं आए। वे भारत के उत्तरी पश्चिमी कोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। कुछ तारीखों की सहायता से इन घटनाओं को ठीक ठीक समझा जा सकता है। इस्लाम का आरंभ 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की हिजरत से माना जा सकता है। मोहम्मद का देहांत 10 वर्ष बाद हुआ। कुछ समय उसे अरब में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा, और उसके बाद उन अद्भुत घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो इस्लाम का झंडा फहराते हुए अरबों को पूर्व में मध्य एशिया तक और पश्चिम में अफ्रीका के पूरे उत्तरी महाद्वीप को पार करते हुए स्पेन और फ्रांस तक ले गईं। 7वीं शताब्दी के दौरान और 8वीं शताब्दी के आरंभ तक वे इराक, ईरान और मध्य एशिया तक फैल गए थे। 712 ईस्वी में उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया और वहीं ठहर गए। भारत के अधिक उपजाऊ इलाकों और इस क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। क्या इसका कारण ये था कि भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था? शायद बात यही रही होगी, वरना इस बात का कोई और समझ में आने वाला कारण नहीं मिलता कि सही मायने में आक्रमण होने में कई सदियां क्यों लगी। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया।
विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता में कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर न कोई और आक्रमण हुआ, न छापा मारा गया। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बच रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। इस वर्णन से हमें इस बात का अनुमान लगता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। ये पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद मैं फिर नहीं लौटा। भारतीय इतिहास में महमूद के हमले एक बड़ी घटना है। हालांकि पूरे भारत पर राजनीतिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और भारत का केंद्रीय भाग उससे अनछुआ रहा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय बीत गया। इस दौरान न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण निश्चित रूप से विदेशी तुर्क आक्रमण था और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब
बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। दरअसल लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क या तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वो आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे और जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने उस साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। तैमूर के दिल्ली को तबाह करने के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उस समय के उपलब्ध वृत्तांतों से ऐसा लगता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय दिल्ली की छोटी सी सल्तनत को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा। उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया, जहां अक्सर भारत के भाग्य का फैसला होता रहा है। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। ये बाबर था जो तुर्क मंगोल था और मध्य एशिया के तैमूर वंश का था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। अभी आप सुन रहे थे पाठ, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, संपादन और अनुवाद निर्मला जैन, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।